गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। लास्ट इंग्लिश क्लास में हम लोगों ने ग्रामर सेकेंड की बुक कंटिन्यू रख रखी थी। ग्रामर सेकेंड में फर्स्ट चैप्टर द अल्फ़ाबेट का हम लोगों ने, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर हो चुका है हमारा, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हो चुके हैं हमारे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक कैपिटल लेटर। क्या स्टार्ट करेंगे? कैपिटल लेटर। तो सबसे पहले आप लोग आज की डेट, डे और क्लास को मेंशन करो यहाँ पे। डेट, डे और क्लास को मेंशन कर लो। जो आपको पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो नहीं हो, और अगर डाउट है तो आप स्कूल से एक बार कांटेक्ट करके बोल दो कि आपको इस चीज़ में डाउट है। कैपिटल लेटर्स, सम वर्ड ऑलवेज बिगेन विद अ कैपिटल लेटर। लेट अस लुक एट द डिफरेंट यूज ऑफ द कैपिटल लेटर। देखो, जब हम किसी सेंटेंस को लिखना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। जब हम किसी सेंटेंस को लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं। द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस ऑलवेज बिगेन विद अ कैपिटल लेटर। द डॉग इज पेके, बीन हैज कर्ली हेयर। तो देखो, अब इसमें द डॉग स्टार्टिंग किससे हुई है? द से, और द का टी जो है वो हमारा कैपिटल लेटर में है। देन सेकेंड सेंटेंस देखो, बीन लिखा हुआ है, बीन हैज कर्ली हेयर, तो उसमें देखो बीन स्टार्टिंग वर्ड क्या है? बीन, और बीन का फर्स्ट लेटर जो है वो बी, वो भी कैपिटल है। तो यानी किसी भी सेंटेंस में जो स्टार्टिंग लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से। मैं रिपीट कर रही हूँ, किसी भी सेंटेंस में स्टार्टिंग लेटर, स्टार्टिंग वर्ड जो होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। सेकंड देखो ज़रा, द वर्ड आई इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। देखो, जब हम आई का यूज़ करते हैं, आई यानी मैं, आई यानी मैं, जब हम आई का यूज़ करते हैं तो आई हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। एग्जाम्पल देखो, आई लाइक टू रीड बुक, मुझे बुक पढ़ना पसंद है। आई लाइक टू रीड बुक, मुझे बुक पढ़ना पसंद है। सेकेंड देखो, मदर एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट, मतलब मेरी मम्मी और मैं मार्केट जा रहे हैं। तो उसमें देखो स्टार्टिंग लेटर क्या था, स्टार्टिंग वर्ड क्या था? मदर। तो मदर का एम बड़ा है, दिख रहा है आपको? मदर का एम जो है वो बड़ा यानी कैपिटल लेटर में है। देन आफ्टर देखो, मैंने अभी बताया था सेकंड में यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि आई, जब भी आई लिखोगे, जब भी आई का यूज आप सेंटेंस में करोगे तो आई हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। तो यहाँ पे देखो, मदर एंड आई में आई भी कैपिटल लेटर में है। मदर एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट। थर्ड देखो जरा, names of place and people, day and month and festival and holiday begin with a capital letter। अब ध्यान देना किन किन words का first letter जो है वो capital में होगा, किन किन words का first letter जो है वो capital होगा। name of the place यानी किसी भी जगह का नाम, किसी भी जगह का नाम जो है जब आप लिखोगे तो उसमें फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होगा। फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, दिल्ली, जोधपुर, राजस्थान, इंडिया, आपका स्कूल, पार्क, गार्डन, तो किसी भी जगह का नाम जब आप लिखोगे तो उसमें फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। नेम ऑफ द पीपल, और किसी भी इंसान का नाम, जगह का नाम होगा तभी भी कैपिटल। अब किसी इंसान, राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, रमेश, तो किसी भी इंसान का नाम होगा तभी भी आप कैपिटल लेटर से ही लिखोगे। थर्ड,
डे एंड मंथ, डे मंडे से लेके संडे तक, यानी संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो इन सातों डे में से किसी भी डे का नाम जब आएगा तब आप उसको भी कैपिटल लेटर से लिखोगे। मंथ नेम यानी जैन टू दिसंबर, यानी जनवरी टू दिसंबर, तो जनवरी टू दिसंबर इनको भी आप कैसे लिखोगे, कैपिटल लेटर, स्टार्टिंग वर्ड जो होगा वो कैपिटल होगा। किसी भी फेस्टिवल के नेम या फिर हॉलीडे का नाम नेम है, यानी किसी फेस्टिवल यानी किसी त्यौहार का नाम, हॉलीडे यानी किसी भी छुट्टियों के नाम होंगे तो उनको भी आप कैपिटल लेटर में लिखोगे। तो आप समझ में आया किन किन वर्ड्स को कैपिटल लेटर में लिखना है? वापस से सुनो, किसी भी सेंटेंस को आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होगा। किसी भी सेंटेंस में आई का यूज़ आ रहा है तो आई हमेशा कैपिटल लेटर होगा। फिर थर्ड पॉइंट में था कि किसी भी जगह का नाम, किसी भी इंसान के नाम, डे और मंथ्स के नेम, किसी भी त्यौहार का नाम या किसी भी छुट्टी हॉलीडेज़ के नेम को हम लोग कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। अब ज़रा यहाँ पे एग्जांपल्स देखो आप, शी एंड केविन आर बेस्ट फ्रेंड, शी एंड केविन आर बेस्ट फ्रेंड, यानी वो और केविन जो है वो बेस्ट फ्रेंड है। तो इसमें देखो नेम ऑफ द पर्सन, केविन जो है किसी का नाम है, केविन जो है किसी का नाम है, तो इसका के देखो कैपिटल लेटर में दिख रहा है आपको, के जो है वो कैपिटल लेटर में दिख रहा है आपको। सेकंड देखो जरा, आई लिव इन दिल्ली, सेकंड वाला पॉइंट देखो, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली क्या हो गया सिटी का नेम, दिल्ली क्या हो गया सिटी का नेम, इसलिए इसका डी जो है वो कैपिटल है, दिल्ली का डी कैपिटल दिख रहा है। थर्ड पॉइंट में आओ जरा, द ताजमहल इज अ ब्यूटिफुल मोमेंटो, देखो ताजमहल जो है एक बहुत ही सुंदर धरोहर है, तो अब ताजमहल किसी जगह का नाम हो गया, नेम ऑफ द मोमेंटो, तो ताजमहल का, ताजमहल भी हमने कैपिटल लेटर में लिखा है, ताज का टी एंड महल का एम आर ऑल्सो इन अ कैपिटल लेटर। नेक्स्ट वन देखो, आई विल गो टू द डॉक्टर ऑन संडे, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा संडे को, तो संडे क्या हो गया डे नेम, संडे क्या हो गया डे नेम, तो इसलिए संडे का एस भी हमने कैपिटल लेटर में लिखा है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था डे एंड मंथ्स, ये देखो डे एंड मंथ्स को भी हम लोगों को कैपिटल लेटर में लिखना है। नेक्स्ट आ जाओ, अंकल कम टू विजिट अस लास्ट दिसंबर, अंकल केम टू विजिट एट लास्ट, सॉरी अंकल विजिट टू, अंकल केम टू विजिट अस लास्ट दिसंबर, अंकल हमारे पास कब आए थे लास्ट दिसंबर को, तो दिसंबर जो यूज़ किया हमने वो क्या हो गया मंथ्स नेम, इसलिए दिसंबर का डी जो है वो कैपिटल है, इसलिए दिसंबर का डी जो है वो कैपिटल है। माय फेवरेट फेस्टिवल इज़ दिवाली, मेरा फेवरेट त्यौहार जो है वो दिवाली है, दिवाली क्या हो गया फेस्टिवल नेम, तो फेस्टिवल नेम को भी हम लोग कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। समझ में आया यहाँ तक सबको? किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हो तो फर्स्ट लेटर जो है वो आपका कैपिटल लेटर में होगा, किसी भी सेंटेंस में आई का यूज़ हो रहा है तो आई कैपिटल लेटर में होगा, किसी भी सेंटेंस में अगर नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ द पीपल, डे नेम, मंथ नेम, फेस्टिवल नेम और हॉलीडे नेम आते हैं तो उनको भी हम लोग कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। तो यहाँ तो सबके डाउट्स क्लियर हुए, आगे बढ़े, पेज टर्न करो जरा। क्वेश्चन ई देखो जरा, रीड दिस सेंटेंस, सर्कल द वर्ड दैट शुड बिगेन विद अ कैपिटल लेटर, आपको इन सेंटेंस को पढ़ना है, आपको इन सेंटेंस को पढ़ना है। आपको इन सेंटेंस को पढ़ना है और देन आफ्टर जो भी लेटर, सॉरी जो भी वर्ड कैपिटल होना चाहिए उसको आपको सर्कल करना है, उसको आपको सर्कल करना है, गॉट इट? तो देखो जरा,
Samnath and I are playing in the park. Samnath and I are the playing in the park. तो सामनाथ किसी का नाम है और मैंने बताया था किसी भी सेंटेंस में अगर आई का यूज़ आता है तो वो आई भी कैपिटल लेटर में ही होगा. तो सर्कल करोगे आप लोग किसको? सामनाथ एंड आई को. सामनाथ एंड आई को सर्कल कर लो ज़रा. सामनाथ फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें सामनाथ एंड आई जो है वो आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्मॉल लेटर का यूज किया है. आगे बढ़े. सेकंड देखो जरा. होली इज अ फेस्टिवल ऑफ ए कलर. होली इज अ फेस्टिवल ऑफ अ कलर. होली जो है वो रंगों का त्योहार है. तो मैंने बताया था किसी भी त्योहार किसी भी फेस्टिवल के नेम को भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे. तो होली को सर्कल कर लो आप. होली का एच जो है वो कैपिटल होना चाहिए पर इन्होंने क्या लिखा है स्मॉल लेटर में. तो होली को सर्कल कर लो. थर्ड पॉइंट पे आओ जरा आप लोग. फर्स्ट और सेकंड हो गया, थर्ड पे आ जाओ जरा. माय बर्थडे इज इन जुलाई. मेरा बर्थडे कब आता है? जुलाई में. तो जुलाई क्या हो गया? मंथ नेम. जुलाई क्या हो गया? मंथ नेम. और किसी भी मंथ के नेम को हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं. तो जुलाई को सर्कल कर लो. जुलाई को सर्कल कर लो. फोर्थ पॉइंट पे आए हम लोग. कम टू द फोर्थ पॉइंट. फादर विल टेक मी टू द एम्यूजमेंट पार्क ऑन सैटरडे. फादर विल टेक मी टू द एम्यूजमेंट पार्क ऑन द सैटरडे. उसके पापा जो है उनको एम्यूजमेंट पार्क लेके जाएंगे. कब? सैटरडे को. कब लेके जाएंगे? सैटरडे को. तो यहाँ पे देखो प्लेस का नाम भी बताया है और डे नेम भी है. तो दोनों को आप लोग सर्कल कर लो. सैटरडे का एस कैपिटल होना चाहिए था और एम्यूजमेंट पार्क का ए जो है वो कैपिटल होना चाहिए था. कंप्लीट. आगे बढ़े. फिफ्थ पॉइंट देखो जरा. ही इज़ गोइंग टू चेन्नई ऑन वेनसडे. ही इज़ गोइंग टू चेन्नई ऑन वेनसडे. वो जो है चेन्नई जा रहा है. कब? वेनसडे को. वो चेन्नई जा रहे हैं वेनसडे को. कब जा रहे हैं? वेनसडे को. तो वेनसडे क्या हो गया? नेम ऑफ अ डे. चेन्नई क्या हो गया? नेम ऑफ अ प्लेस. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैपिटल लेटर में. ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैपिटल लेटर में. तो सर्कल कर लो जरा चेन्नई एंड वेनसडे को. चेन्नई और वेनसडे को सर्कल कर लो आप लोग.
कंप्लीट हो गया फिफ्थ, फिफ्थ तक सबका हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो जरा, मैनी टूरिस्ट विजिट इंडिया एवरी ईयर, यानी बहुत सारे टूरिस्ट जो घूमने के लिए आते हैं, तो बहुत सारे लोग इंडिया हर साल घूमने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग हर साल इंडिया घूमने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे इंडिया जो हो गया वो एक प्लेस हो गया, इंडिया जो है वो एक प्लेस हो गया, तो इंडिया को, इंडिया का जो आई है वो आना चाहिए था कैपिटल लेटर में, तो इसको भी सर्कल कर लो। इंडिया जो है वो किसी जगह का नाम है, तो मैंने बताया था किसी भी जगह का नाम, किसी भी पर्सन का नेम, डे एंड मंथ नेम, फेस्टिवल नेम एंड हॉलीडे नेम हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखे जाएंगे। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि कैपिटल लेटर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब हम किसी सेंटेंस को लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। जब भी हम किसी जब भी हम किसी सेंटेंस को लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसका स्टार्टिंग लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। सेकंड, किसी भी सेंटेंस में अगर आई का यूज़ हो रहा है, आई का मतलब मैं, तो जब किसी सेंटेंस में आई का यूज़ होगा तो वो आई हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। अब आई का मतलब ये नहीं है कि आइसक्रीम भी तो आई से ही स्टार्ट हो रही है, नहीं, आई का मतलब मैं, किसी सेंटेंस में आई का यूज़ करते हैं ना, आई एम, आई हैव, आई कैन, तो वो वाला आई, तो उस आई को जब हम लिखेंगे तो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। थर्ड, किसी भी प्लेस के नेम, किसी भी पर्सन के नेम, डे एंड मंथ के नेम, फेस्टिवल के नेम और हॉलीडे के नेम जब भी हम लोग लिखेंगे तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में होंगे, वो हमेशा कैपिटल लेटर में होंगे। नाउ क्लास सेकेंड, आप लोगों का इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में हम लोगों ने अल्फाबेटिक ऑर्डर, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट और कैपिटल लेटर्स, ये तीन टॉपिक पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।